वेलकम गाइस टू अनदर ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग है उन लोगों के लिए जो गोप्रो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में दिखाया कि हम भी अपना गोप्रो लेके आए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। और मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे ब्लॉगर्स की, कि अगर आप गोप्रो ले रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिएगा शूट करने के लिए। मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ लोग नहीं बताते हैं, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप गोप्रो ले रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिएगी, जैसे कि विदाउट SD कार्ड ये नहीं शूट करेगा, चलेगा ही नहीं। और कैमरे को होल्ड करने के लिए आपको एक स्टिक भी चाहिएगी। दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि वायरलेस जो माइक होते हैं डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, वैसा नहीं होता, उसके लिए आपको मीडियम मोड लेना पड़ेगा, वो गोप्रो से अटैच होगा। देन आप अपने वायरलेस माइक को उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कनेक्ट कर सकते। गाइज, मैं भी मोस्ट ऑफ चीज़ें लेके आ चुका हूँ, और फिलहाल मेरे को अपने वायरलेस कनेक्ट करने के लिए मीडिया मोड चाहिए, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ मार्केट में। ऑनलाइन मैंने चेक किया तो उसमें कल तो आ रहा था, बट आज नहीं आ रहा। पता नहीं क्या इशू है, जो उन्होंने अमेज़न वालों ने हटा दिया उसको। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, और चांदनी चौक में है। चांदनी चौक में बहुत बड़ा हब है कैमरे के मार्केट के लिए, तो मैंने कॉल किया तो वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे है, अवेलेबल है। तो अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक, और मेरा एक फ्रेंड है जो फोटोशूट करता है, तो उसको नॉलेज ज़्यादा है वहाँ की, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसके साथ। तो फाइनली गाइस, आ गए अपना फ्रेंड, और अब यहाँ से जाएंगे हम मार्केट, क्योंकि मार्केट जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। हम जा रहे हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक क्योंकि हब है यार, पहले बताया था मैंने, तो सब चीज़ वहीं मिलेगी, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। अमेज़ोन वालों ने तो कर दिया धोखा, अब देखते हैं वहाँ पर क्या मिलेगा। तो गाइस, अभी तो हम आ गए चांदनी चौक, और हमारे मित्रगण ये रहे। अभी यहाँ से कम चलना है अपने को 20 मिनट, 20 मिनट चलना अपने को, नहीं नहीं 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये गाइस, हम चांदनी चौक आ चुके हैं, और ये चांदनी चौक का गुरुद्वारा है, ये मार्केट है। ये देखिए, सीधे निकल जाएंगे तो लाल किले पहुँच जाएंगे हम बिल्कुल टक्कर में, और बहुत प्यारा ये मार्केट है। शाम के टाइम आते तो और प्यारी लगती। तो गाइस, फाइनली ले लिया हमने मीडिया मोड, अब जा रहे हैं घर पे, पर उससे पहले खाएंगे जलेबी, यहाँ की चांदनी चौक की फेमस जलेबी। तो उसके बाद मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा कि मीडिया मोड केस कैसा है। तो गाइस, ये रही हमारी जलेबी, देसी घी की विद रबड़ी, आओ वहाँ ले खाते हैं। फाइनली बैक टू होम, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना मीडिया मोड, कि मीडिया मोड कैसा है और कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो फाइनली गाइस, हम लिए हैं अपना मीडिया मोड, और मैंने वहीं पे अनबॉक्स कर लिया था और इस पर अटैच भी कर दिया। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या फीचर, कैसे वर्क करता है, और क्या इसके अंदर और चीज़ें हैं जहाँ अपना ब्लूटूथ माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये है इसका बॉक्स, मीडिया मोड गोप्रो 11 के लिए, और मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर क्या चीज़ें आते हैं। इसके साथ साथ एक तो आपको स्क्रू मिलता है, और एक अटैचमेंट मिलती है जिसको आप अपने हेलमेट पर लगा सकते हो, और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये हमारा गोप्रो 11 है, जिसमें मैंने इसका मीडिया मोड लगा दिया ऑलरेडी। एक तो इसके अंदर ये माइक आता है यहाँ पे, इसकी भी अच्छी क्वालिटी है, और ये वही जो हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ़ के लिए है, और ये कैमरा ऑफ के लिए। इससे मोड भी चेंज कर सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन इसके अंदर दे दिए उन्होंने ये। और मेन बात करें एमसी कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है जो हमारे माइक के पोर्ट होते हैं, वो हमारा माइक का पोर्ट यहाँ कनेक्ट होगा। दूसरा, जो हमारा चार्जिंग पॉइंट है इन्होंने बिल्कुल बाहर ही दे दिया, तो ये बेस्ट है इस चीज़ के लिए कि चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल बाहर है, तो केस खोलने की जरूरत नहीं है कि आपको केस खोलोगे बैटरी का तो आप उसको चार्ज करोगे, डायरेक्ट आप बाहर से चार्ज कर सकते हो इसमें। और दूसरा एंड लास्ट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें HDMI केबल भी दे रखी है, कि आप अगर आप इसको HDMI ला के अपना TV के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, अपनी वीडियो जो आपने शूट करी है वो देख सकते हो। और गाइस, जो आप देख रहे हो ऊपर, ये यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे आप अपना जो माइक का रिसीव होता है वो लगा सकते हो, वो आप यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। दूसरा, अगर आपको इसमें LED कनेक्ट करनी है, लाइट कनेक्ट करनी है, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो उसको, और काफ़ी अच्छी लुक है। एक तरीके से एक आपका GoPro सेफ भी हो जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत हार्ड है, एज अ कवर भी आप इसको यूज़ हो सकता है इसका। तो मेरा कोडिंग बहुत अच्छा है, और हमारा GoPro बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट व्लॉग्स के लिए,
तो हम सारे शूट्स अपने इस ब्लॉग इसी से करेंगे गोप्रो। तो गाइस सब्सक्राइब द चैनल और कीप सपोर्टिंग, अपना सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और गाइस जो मैं करने वाला हूँ उसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझे। कीप सपोर्ट, गिव योर लव, सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।